Assalamu alaikum. My name is Suman Taseer and I am from Textile Design at Punjab University. My topic name is Schizophrenia. Schizophrenia is a mental disorder in which people interpret reality abnormally. It's some combination of hallucinations and delusions. Hallucinations basically ये होते हैं कि इसमें आवाज़ें सुनाई देती हैं और delusions में चीज़ें नज़र आती हैं. और जब पेशेंट ये चीज़ें जब लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता है तो लोग इसको गलत वे में लेके जाते हैं, ब्लैक मैजिक और एविल स्पिरिट्स की तरफ लेके जाते हैं. डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस की वजह से आप बिल्कुल ये मत समझें कि ब्लैक मैजिक या एविल स्पिरिट्स हैं, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है. तो इसको डॉक्टर के पास सबसे पहले तो लेके जाएं, और सेकेंडली कि जो अगर आपको पेशेंट ऐसा मिले तो उसकी हेल्प करें, उसको अंडरस्टैंड करें और उसको मोटिवेट करें, ना कि डीमोटिवेट करें कि उसका वो सुसाइड से बच जाए, यही कर सकें. तो ये आर्टिस्ट हैं जो बयान चालने हैं, ये शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट थे और ये पेंटर भी हैं. तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स को पेंट किया, हेलुसिनेशन को यहाँ पे शो किया उन्होंने, और यहाँ पे साथ में उन्होंने ये भी शो किया कि वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं दूसरे लोगों के साथ. लेकिन जब वो पेंटिंग को जब वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं तो वो लोग उनको निशाना बनाते हैं. अरे डार्ट बोर्ड उन्होंने इसलिए शो किया कि वो टारगेट कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं उन्हें. एट द एंड उन्होंने मतलब अपने आप को चुप करा लिया है, और नेल उन्होंने ये शो किया कि मतलब अब वो किसी के साथ फीलिंग नहीं शेयर कर रहे. और उन्होंने लास्ट पेंटिंग जो थी उनकी वो ईजल पे लगी हुई थी और उन्होंने सुसाइड कर ली थी. तो मेरा ये काम है, ये आर्टिस्ट का काम था, ये मेरा काम है. ये बेसिकली लैम्प जो है वो पेशेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो कलर्स जो हैं ये लोनलीनेस को शो कर रहे हैं, डिप्रेशन को शो कर रहे हैं, डेंजर को शो कर रहे हैं. मैंने इसकी लाइट इसलिए डिम रखी है क्योंकि ये पेशेंट है, और मैंने जो ये लैम्प्स चूज़ किए हैं इसका बेसिक जो पर्पज़ है वो ये है कि इसमें स्लाइड शो होती है. मेरी अवेयरनेस लोगों को है कि हम लोग पेशेंट को अंडरस्टैंड करें और उनकी हेल्प करें. वैसे अगर हम उनकी हेल्प करेंगे हम सुसाइड की से इनको बचा सकते हैं. वैसे डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि इसके दो वेज हैं. ब्लैक मैजिक की वजह से लोग समझते हैं कि इस पर ब्लैक मैजिक नहीं होता, ये लोग समझते हैं ब्लैक मैजिक है या एविल स्पिरिट्स हैं. इसको बाबा जी के पास लेके जाते हैं, क्योंकि मैंने एक ऐसा पेशेंट देखा है जिसको लोग सबसे पहले बाबा जी के पास लेके गए, और उसका बहुत लेट ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है जिसकी वजह से वो काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट रहा. तो ये लाइट शो कर रही है, ये मोटिवेशन को शो कर रही है, ये ऑडियंस है जो मोटिवेट कर रही है पेशेंट को और उनकी हेल्प कर रही है कि वो सुसाइड से बच जाएं. और ये जो सारी ऑडियंस है वो मोटिवेट करने वाली नहीं होती, ये डीमोटिवेट करने वाली ऑडियंस है. इसके जो मैंने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, इसके कॉजेज और सिम्टम्स जो हैं उस पर मैंने अपना काम किया है. कॉजेज होते हैं इसके जेनेटिक कॉजेज होते हैं, और डोपामिन एक केमिकल कॉम्पोजिशन है, उससे इम्बेलेंसमेंट की वजह से ये होता है. तो ये उसकी स्टाइलाइज फॉर्म है डोपामिन की, और ये एक डीएनए का मोटिव है ये यूज़ किया है. ये डीएनए को अगर टॉप व्यू से आप देखें तो इसका ये मोटिव बनता है. और ये ब्रेन की लाइंस हैं, ये डार्ट बोर्ड मैंने शो किया इसको स्टाइलाइज करके. इसमें मैंने डीएनए का डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी स्ट्रैंड्स होती हैं, उसके साथ ही मैंने पैटर्न क्रिएट किया. और ये जो है इसमें डिल्यूजन्स को शो किया मैंने, आई की स्टाइलाइज फॉर्म यूज़ किया, और इसमें डोपामिन का स्ट्रक्चर यूज़ किया. ये अगेन डीएनए से ही फर्दर मैंने मोटिव ड्राइव किया, और ये भी डिल्यूजन्स को शो कर रहा है, उसे डिफरेंट पैटर्न क्रिएट किया. और ये जो है ये एक हैंडमेड है, नीडल फेल्टिंग पे बना हुआ. दैट्स इट, थैंक यू. ब्लैक मैजिक और इविल स्पिरिट्स की वजह से आप ये बिल्कुल ना समझें. ओह सॉरी, ये नहीं कहना था मैंने, ये कट हो सकता है.